मैं हूं एसएल धाकड़। हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ नॉलेज पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नर्सिंग व सीएचओ रिलेटेड लेटेस्ट वैकेंसी व लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यह है कि एनएचएम हरियाणा में 671 सीएचओ की पोस्ट निकली है। ये पोस्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज निकली है। जनरल की बात करें तो जनरल में टोटल 221 पोस्ट है, एससी में 106 पोस्ट है, बीसीए में 81 पोस्ट है, बीसीबी में 47 पोस्ट है। ऐसे ही अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग पोस्ट आप देख पा रहे स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, रिजर्वेशन का बेनिफिट केवल हरियाणा के निवासियों को ही मिलेगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो यूआर कैटेगरी में माने जाएंगे। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, कितनी सैलरी मिलेगी, कट ऑफ मेरिट किस हिसाब से बनेगी, ये पूरा डिटेल से बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फॉर्म की लास्ट डेट 31 जनवरी 2021 है। इसका एग्ज़ाम 15 से 17 फरवरी के बीच में हो जाएगा, यानी एग्ज़ाम भी अगले महीने हो जाएगा। इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नेक्स्ट मंथ 23 से 26 फरवरी के बीच में हो जाएगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट्स को इसमें लेने जा रहे हैं, तो इसको बारीकी से समझ लीजिए। इसमें बीएएमएस व बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग वालों को ही ले रहे हैं, जीएनएम वालों को बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। इनको भी एक शर्त पर ले रहे हैं, अगर इन्होंने 6 महीने का सीसीएस सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो ही ले रहे हैं। बाकी फ्रेश बीएएमएस बीएससी व पोस्ट बीएससी नर्सिंग वालों को नहीं ले रहे हैं। अगर आपने बीएससी बीएएमएस व पोस्ट बीएससी नर्सिंग के साथ सीसीएस सर्टिफिकेट नहीं कर रखा है तो बिल्कुल इसमें फॉर्म नहीं भरें, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करें। सेकंड नंबर दे रखा है बीएससी या पोस्ट बीएससी नर्सिंग के साथ साथ आपने मिड हेल्थ लेवल सीसीएस सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो ही इसमें फॉर्म भरें, बाकी नहीं भरें। तो शायद अभी तक सेकंड नंबर की क्वालिफिकेशन के कोई भी कैंडिडेट नहीं है। नंबर थर्ड, बीएससी पोस्ट बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट, अगर उनके फाइनल ईयर सिलेबस में सीसीएस सर्टिफिकेट कोर्स ऐड है तो वो कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, परंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उनको ओरिजिनल मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। उस मार्कशीट में फोर्थ ईयर सब्जेक्ट के साथ साथ सीसीएस सर्टिफिकेट कोर्स का भी मेंशन होना चाहिए, तभी एलिजिबल करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल देखा जाए तो कुछ गिने चुने कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग या बीएएमएस के साथ साथ सीसीएस सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है 6 महीने का, तो फॉर्म अप्लाई करें, बाकी नहीं करें। और इस वर्ष फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं, परंतु उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मार्कशीट चाहिए, हरियाणा नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर फरवरी तक, नेक्स्ट मंथ तक सब कुछ हो जाए तो भर दें, बाकी कोई भी मतलब नहीं है। टेंथ में कम से कम आपकी हिंदी संस्कृत लैंग्वेज होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6 में साफ साफ लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका रजिस्ट्रेशन हरियाणा नर्सिंग काउंसिल से कंप्लीट होना चाहिए। करें तो 25,000 पर मंथ मिलेगी, पर ईयर 6% इंक्रीमेंट मिलेगा। 5 साल कंप्लीट होने के बाद में आपको 4800 ग्रेड पे दिया जाएगा, यानी आपकी सैलरी 50-60,000 हो जाएगी। और 5 साल की नौकरी के बाद आपको डीए का भी बेनिफिट दिया जाएगा, जैसा कि परमानेंट कर्मचारियों को दिया जाता है। और 10 साल की नौकरी के बाद एचआरए का बेनिफिट भी दिया जाएगा, हाउस रेंट भी मिलेगा। फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट बात और है कि इसमें फॉर्म डिस्ट्रिक्ट वाइज ही अप्लाई करने हैं, क्योंकि कट ऑफ मेरिट लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज ही बनेगी, पूरे हरियाणा की कट ऑफ मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। आपने जिस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म अप्लाई किया उस डिस्ट्रिक्ट की सेपरेट कट ऑफ मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। फ्रेंड्स, इसमें बॉन्ड भी है, 2 लाख का बॉन्ड है। अगर आप 3 साल पहले नौकरी छोड़ देते हैं तो 2 लाख आपको एनएचएम को भरने पड़ेंगे। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको एनएचएम हरियाणा वेबसाइट पर जाना है और उसमें ऑनलाइन पोर्टल का लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करने हैं और फॉर्म भर देना है। तो फ्रेंड्स, एक बार संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ कि इसमें जीएनएम वालों को बिल्कुल नहीं ले रहे हैं।
बीएससी नर्सिंग व पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले वही स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म अप्लाई करें जिन्होंने 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर रखा है, 6 महीने का सीसीएस सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, वही फॉर्म अप्लाई करें, वरना इसमें अप्लाई नहीं करें, टाइम वेस्ट नहीं करें। नेक्स्ट वैकेंसी के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। और फ्रेंड्स, बीएससी व पोस्ट बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, परंतु उनको नेक्स्ट मंथ 23 फरवरी तक हरियाणा नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ओरिजिनल मार्कशीट 4th ईयर की होनी चाहिए, अगर ये संभव है तो ही फॉर्म अप्लाई करें, बाकी अप्लाई नहीं करें। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही जानकारी प्रद वीडियो बनाता रहूं, आप तक भेजता रहूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।